मंजिल है, 12 मंजिल है, 11 मंजिल, 18 मंजिल है। 18 मंजिल कहाँ पे? वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइज। आज जा रहे हैं हम 13 मंजिली मंदिर है एक, वहाँ जा रहे हैं। तो मैं और मेरे साथ जा रही है मेरी वाइफ मीनाक्षी। तो हम दोनों आज वहाँ की एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। अभी सीधे चलते हैं वहाँ पे, थोड़ा सा मोटो ब्लॉगिंग होगा। ये आ गया मेरा, ये राइडिंग करेगी आज, तो सीधे चलते हैं वहीं। अभी हम हैं ढालवाला में। सबसे पहले हमको यहाँ से बाहर निकालना होगा बाहर की तरफ। ये है ढालवाला की सबसे पीस ऑफ माइंड वाली जगह। यहाँ पे बहुत शांति है और नेचर को आपको फील करना है तो यहाँ पे आके बैठ सकते हो। इस साइड में काफी अंग्रेज लोग आते हैं और यहीं बैठते हैं। बाहर के जो लोग होते हैं और न लोग तो यहीं पे मैंने काफ़ी टाइम देखा है, साइकिल लेके आते हैं यहीं पे बैठ जाते हैं। तो दोस्तों मेन रोड पे पहुंच गए हम। तो मेन प्लान ये है कि हम जाएंगे रामझुला, तो रामझुला से जाएंगे हम दूसरी साइड को। एक्चुअली मैं पहले जानकी सेतु से सोच रहा था, लेकिन जानकी सेतु में ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो अब मैं रामझुला से जाता हूँ और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा हमको देती है और हम इसका अच्छे से इस्तेमाल करें। राइट, अब आ गए हम मेन पॉइंट पे, हमको निकलना होगा राइट। हम देते हैं राइट का इंडिकेटर और अरे मान जा, पता ही आता जा रहा हूँ। पूरा अंधेरा अंधेरा हो रहा था यहाँ पे। सबसे ज्यादा दिक्कतें तो होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काफी भीड़ होती है, बहुत ज्यादा, और आने जाने में बाइक वालों के लिए काफी दिक्कतें होती हैं। पैटर्न बन रहे हैं बाइक रेन। और ये है सामने रामझूला। आजकल पानी का जो स्तर है काफी बढ़ चुका है और गाइस भीड़ तो देख रहे हैं आप। अरे ये बहुत कंजेस्टेड है और इसलिए मैं यहाँ से आता नहीं हूँ। ज़्यादा वैसे कोई हटना भी नहीं चाहते। यहाँ पे काफी लोग आते हैं और खूब इंजॉय करते हैं इस चीज में। ये नीचे दिख रहा होगा आपको जानकी सेतु और इसी नदी पे ऊपर जाके हमको मिलेगा लक्ष्मण झूला। हाथों में दर्द हो जाता है यहाँ पे ब्रेक दबा दबा। अब चलेंगे हम इन स्टाइल्स के ऊपर।
धीरे लक्ष्मण झूला। अगर आपको पीस ऑफ माइंड यानी अगर थोड़ा सा शांति चाहिए आपको, तो आप यहाँ पे बैठ सकते हो। और काफ़ी अच्छा डिजाइन और साफ सुथरी जगह है, और देख सकते हो आप एक बंदा बैठा हुआ। सबसे गजब की जगह बोलेंगे इसको योग करने वालों के लिए। एक्चुअली ये योगा कैपिटल है पूरी दुनिया की, तो इतना तो बनता ही है। और ये है हमारा राम झूला। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा लाइक कर दो, और अब मेरे साथ चलो आगे सीधे लक्ष्मण झूला में। तो आप देख सकते हैं काफ़ी पीस ऑफ माइंड है यहाँ पे, सुख शांति है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और कैसा लगा? चले चलो। नगर पंचायत स्वर्गासन जोंक, और ये आ गए हम पौड़ी गढ़वाल के बहुत 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 करीब। जो गंगा नदी है, एक्चुअली गंगा नदी के आर पार दोनों डिवाइड हो चुके हैं, एक तो टिहरी गढ़वाल, दूसरी साइड पौड़ी गढ़वाल। तो अगर हम अभी आगे चल रहे हैं तो हमारे राइट साइड होंगे पौड़ी गढ़वाल, और लेफ्ट साइड होंगे टिहरी गढ़वाल। और यहाँ पे कुछ खास राइडर जैसे ये भाई साहब काफ़ी बेहतरीन टेक्निक के साथ गलत साइड चलते थे, देख रहे हैं इधर भाई साहब जो अपनी रोड है ऐसे जिस हिसाब से चल रहे हैं, और इनका काम तो सराहनीय है भाई। सेम जैसे राम झूला है, सेम लक्ष्मण झूला भी वही है, वही कलर, वही बोल, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा नाम चेंज है। भगवान श्री राम के नाम पे राम झूला, और भगवान श्री कृष्ण के भगवान श्री लक्ष्मण के नाम पे लक्ष्मण झूला है। यहाँ की मार्केट, मेन मार्केट, और ये आप मंदिर जो देख रहे होंगे आप ऊपर तक, महादेव का मंदिर, महादेव 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 जो लिखा हुआ है ये है। यहाँ पे देखो एक कॉर्नर पे जिनके ये देखो ये लास्ट जो 13 मंदिर होगी वहाँ पे जाते हैं, यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं श्री गणेशाय नमः। दुकानें लग रही हैं, दुकानें काफ़ी लग रही हैं, यहीं से दर्शन कर चले। शूज वगैरह यहीं रखने हैं और हेलमेट भी। तो अब हम शूज निकालते हैं और हेलमेट रखते हैं।